हेलो वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों ये है एर्टिगा सीएनजी जो कि 2022 का न्यू मॉडल है, जो कि पीछे खड़ी आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर का फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप एर्टिगा सीएनजी बाय करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकॉन भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी एर्टिगा सीएनजी, आप देख सकते हैं, और ये है इसका फ्रंट लुक जो कि आपको काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो ये है दोस्तों इसका फ्रंट प्रोफाइल, आप देख सकते हैं। और फ्रंट में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रिल्स दिया गया है, सबसे बड़ा यहाँ पर ग्रिल्स है, और उसमें लार्ज क्वांटिटी में जो क्रोम है वो यूज़ किया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा सिल्वर क्रोम में आपको ग्रिल्स दिया गया है, और सेंटर में मारुति सुजुकी का लोगो दिया गया, आप देख सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको ग्रिल्स दिया गया है, बट यहाँ पर आपको कोई भी सिल्वर क्रोम का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर जो फाइबर है ब्लैक कलर में रेगुलर प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर। और साइड की बात करें तो यहाँ पर साइड में आपको फॉग लैंप का ऑप्शन मिलता है, बट कंपनी आपको इंस्टॉल करके नहीं देती है। सीएनजी में एक ही वेरिएंट आता है और उसमें आपको कंपनी फॉग लैंप प्रोवाइड नहीं करती है, ये आपको आफ्टर मार्केटिंग इंस्टॉल करवाना होता है। तो हमने भी इसको आफ्टर मार्केटिंग इंस्टॉल करवाया था, बट ज़रूर आपको ऑप्शन ज़रूर देती है फॉग लैंप इंस्टॉल करवाने का, तो ये एक अच्छा आइडिया है। उसके बाद दोस्तों ये आपके गाड़ी की हेडलैम्प, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है, और जो हेडलैम्प है उसमें भी आपको काफ़ी सारा क्रोम यूज़ किया हुआ देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा क्रोम यूज़ किया है, और काफ़ी अट्रैक्टिव हेडलैम्प लगता है इसका, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको येलो कलर का जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो भी प्रोवाइड किया गया है। ये आपका लो बीम रहेगा और ये आपका हाई बीम रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई बीम भी दिया गया है, और ये प्रोजेक्टर लैम्प है वो आपका लो बीम रहेगा, येलो कलर में दोनों प्रोवाइड किया है, वाइट कलर आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और ये है इसका इंडिकेटर, आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे तो आपको पता ही है फॉग लैंप है, ये भी येलो कलर का ही है, ये आपको आफ्टर मार्केटिंग इंस्टॉल करवाना होगा। और यहाँ पर आपको दिया गया है एक कैप दिया गया, आप देख सकते हैं, अगर आपको गाड़ी कहीं पर टॉच करके ले जाना है, टॉचिंग करके ले जाना है, तो इसको आपको ओपन करना होगा, और एसेसरीज़ के साथ यानी कि टूल्स के साथ आपको एक दिया गया है, उसको आपको यहाँ पर फिट करना होगा, उसके बाद आप टॉचिंग करके गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों इसके, ये आपको सेफ्टी गार्ड्स है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करता है एसेसरीज़ के साथ। उसके बाद दोस्तों ये है इसका फ्रंट लुक ओवरऑल, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो बोनेट है वो भी आपको काफ़ी वाइड देखने को मिलता है। हाँ, सेवन सीटर गाड़ी है तो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, बट काफ़ी वाइड है, इतना भी छोटा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, बट कुछ ऐसा छोटा नहीं है। और ये है इसके वाइपर्स, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑटो सेंसिंग रेन वाइपर नहीं देखने को मिलता है, मैनुअल वाइपर्स है, आप देख सकते हैं दोनों साइड आपको वाइपर्स देखने को मिलेगा। और गाड़ी के ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको एंटीना देखने को मिल जाएगा, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे कहीं पर भी। और ये है मिरर्स, और ये है दोस्तों इसका साइड लुक, आप देख सकते हैं, ये है इसका ओवरऑल साइड लुक जो कि काफ़ी लेंथेबल दिया गया है, इनोवा जैसी साइड यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है और काफ़ी कम्फर्टेबल है, इनोवा की फीलिंग आप इस पर ले सकते हो बैठ कर। और उसके बाद बात करें इसके व्हील बेस की, तो ये है इसका व्हील, और इसका बेस की साइज़ बात करें तो दोस्तों 15 इंच का यहाँ पर आपको जो व्हील बेस है वो देखने को मिल जाएगा, 15 रेडियस है, और यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको सादा जो टायर है वो प्रोवाइड किया गया है, कंपनी यहाँ पर एलॉय व्हील्स प्रोवाइड नहीं करती है एर्टिगा सीएनजी के अंदर, एलॉय व्हील्स ओनली पेट्रोल टॉप मॉडल में प्रोवाइड करती है एर्टिगा के अंदर, बट सीएनजी में एक ही वेरियंट आता है और उसमें जो एलॉय व्हील्स है उसका ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसके बाद जो डोर सेफ्टी गार्ड आते हैं वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये आपको आफ्टर मार्केटिंग इंस्टॉल करवाना होता है। और यहाँ पर आपको ORVM दिए गए, आप देख सकते हैं, जो कि आपको ऑटो फोल्डेबल देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, इसको आप बाहर से भी फोल्ड कर सकते हैं, और अंदर आपको बटन दिया गया है, वहाँ से आप इनको दोनों को फोल्ड कर सकते हैं। जब आप गाड़ी को लॉक करेंगे की से तो ये फोल्डेबल नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको स्पेसिफिक अंदर ऑप्शन दिया गया है इसको फोल्ड करने का, वहाँ से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडिकेटर का लाइट भी दिया गया येलो कलर में, आप देख सकते हैं, और जो इसके अंदर मिरर्स हैं, साइड मिरर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इसको भी आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं दोनों मिरर्स को, यहाँ पर भी इसको ऑप्शन दिया गया है गाड़ी के अंदर एडजस्ट करने का, तो ये भी अच्छा फीचर्स है लो मॉडल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश हैंडल नहीं देखने को मिलते, जो सादा हैंडल आता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्यूल कैप देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप सीएनजी और पेट्रोल भर सकते हैं, यहाँ पर दोनों को ऑप्शन एक ही साथ दिया जाता है, क्योंकि ये कंपनी फिटेबल है इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। जो लोग बाहर से इंस्टॉल करवाते हैं सीएनजी, उनको आपको जो आगे बोनेट है वहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है
सीएनजी पर, बट ये कंपनी फिटेड है इसलिए यहाँ पर आपको दोनों का ऑप्शन इसी यहीं पर दिया जाता है, यहीं से आप सीएनजी और पेट्रोल भर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप गाड़ी बंद है और ये खुला रहेगा कैब, तो आप गाड़ी को ऑन नहीं कर सकते, चालू नहीं कर सकते, क्योंकि सीएनजी है इसलिए यहाँ पर सेंसर दिए गए हैं और आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है, इसलिए इसको बंद करने के बाद ही आप गाड़ी को चालू कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बैक लुक की बात करें तो ये है इसका बैक लुक, आप देख सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाएगा। स्पॉइलर हमने बाहर से इंस्टॉल करवाया है, स्पॉइलर आपको नहीं देखने को मिलता है एर्टिगा सीएनजी के अंदर, कंपनी आपको ये प्रोवाइड नहीं करता है, ये आपको आफ्टर मार्केटिंग इंस्टॉल करवाना होता है। और यहाँ पर जो हाई माउंटेन लाइट है ये भी आपको दिया गया है, ये पहले की पुरानी वाली एर्टिगा कंपेरिजन में काफ़ी छोटा कर दिया गया है, इसमें बहुत बड़ा आता था बट इसमें छोटा कर दिया गया है। और ये है इसका टेल लैंप, आप देख सकते हैं, जो कि वोल्वो के अंदर आता है वैसा ही सेम लुक यहाँ पर लिया गया है एर्टिगा सीएनजी के अंदर, आप देख सकते हैं पेट्रोल में भी सेम है। और ये है इसका टेल लैंप, और यहाँ पर आपको जो ब्रेक लाइट प्रोवाइड की गई है वो एलईडी के अंदर प्रोवाइड की गई है, आप देख सकते हैं। और ये है इसका इंडिकेटर्स, और ये है इसका रिवर्स लाइट, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, रेडियम लगा हुआ है ओनली। और यहाँ पर आपको एर्टिगा लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, ये भी सिल्वर क्रोम में लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में, और सेंटर में आपको मारुति सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और नीचे आपको दो सेंसर देख सॉरी नीचे आपको चार सेंसर देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं पार्किंग सेंसर आपको चार देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और ये है इसके नीचे का लुक, और जो स्टेपनी आती है वो भी नीचे आपको प्रोवाइड की गई है, आप देख सकते हैं। और चलिए अभी बूट ओपन करके देख लेते हैं इसके बूट के अंदर क्या क्या है। तो ये है इसका बूट, आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सीएनजी टैंक देखने को मिल जाएगा पीछे की साइड, आप देख सकते हैं, और सीएनजी टैंक के ऊपर आपको काफ़ी सारा स्पेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपने जो बैग है वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस दिए गए हैं। और ये है पीछे की सीट्स, इनको आप फोल्ड कर सकते हैं, अगर आप 5 मेंबर हैं और आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप इनको फोल्ड भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एर्टिगा सीएनजी के अंदर जो रिवर्स वाइपर आता है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत ही कमी दी गई है। 7 सीटर गाड़ी है तो भी यहाँ पर आपको वाइपर देखने को नहीं मिलता है, हाँ 5 सीटर में भी आपको देखने को मिलता है वाइपर्स, बट सीएनजी 7 सीटर है ये गाड़ी, फिर भी आपको यहाँ पर वाइपर्स है वो नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये लो मॉडल है इसलिए आपको यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, जो पेट्रोल वेरियंट आता है उसमें आपको कंपनी रिवर्स वाइपर है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद दोस्तों ये है इसके ड्राइवर साइड का साइड लुक, आप देख सकते हैं, इंटीरियर की बात करें तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इंटीरियर भी बता देता हूं। तो ये है इसका इंटीरियर, आप देख सकते हैं एर्टिगा सीएनजी का इंटीरियर, ये भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल जाएगा, अंदर से आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको वाइट डैशबोर्ड प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी वाइट डैशबोर्ड है इसका, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू लगा है तो भी आपको काफ़ी वाइट आपको आगे देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको टीवी प्रोवाइड किया गया है, म्यूजिक इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आपको टचेबल दिया गया है बट फुल स्क्रीन में नहीं दिया गया है, फुल स्क्रीन ओनली पेट्रोल वेरियंट में देखने को मिलता है। और जो एसी वेंट्स है वो भी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैनुअल एसी आपको प्रोवाइड किया गया है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ओनली पेट्रोल के अंदर देखने को मिलेगा, टॉप मॉडल में पेट्रोल के अंदर जो ZXI मॉडल आता है उसमें अभी आपको नहीं देखने को मिलता है, ओनली टॉप मॉडल में आपको पेट्रोल में जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है स्टीयरिंग, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा जो म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ये आपको पेट्रोल वेरियंट में भी सेम मिलेगा टॉप मॉडल में, और सीएनजी में भी सेम मिलेगा। और यहाँ पर आपको थोड़े से कंट्रोल दिए गए कॉल एस्केप कॉल डिसलाइन का और ब्लूटूथ पेयर करने का, और यहाँ पर मोड का भी बटन दिया गया है, यहाँ से आप FM ब्लूटूथ और USB में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फ्यूल एक्सचेंज का भी ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ से आप पेट्रोल और CNG के अंदर स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए, आप देख सकते हैं विंडोज़ के, यहाँ पर आपको चारों विंडोज़ पावर विंडोज़ देखने को मिलता है, और जो ड्राइवर साइड का विंडो है वो आपको ऑटो विंडो दिए गए हैं, यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ से जो साइड मिरर्स है, मैंने बोला था ओवर गेम, उनको आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो जो साइड मिरर है वो फोल्ड हो जाएंगे, और उनके अंदर जो मिरर्स आता है यहाँ से आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि अबार मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ से आप अपने हेडलैम्प को एडजस्ट कर सकते हैं दूर या पास में, और ये है फॉग लैंप का बटन, जो कि हमने बाहर से इंस्टॉल करवाया था तो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर आपको कंपनी 2 सॉकेट देता है अलग से, ताकि आप कुछ भी इंस्टॉल करवाएं तो यहाँ पर उनका स्विच इंस्टॉल कर सकें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 220 की स्पीड देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं, साइड में आपको RPM मीटर देखने को मिलता है, और सेंटर में आपको जो डिस्प्ले है गाड़ी का वो देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको गाड़ी का टाइम बताता है, और जो टेम्परेचर है वो भी आपको शो करता है इसके अंदर, और गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुकी है वो भी आपको शो करेगा, और
फ्यूल इंडिकेटर्स भी आपको इसके अंदर ही शो करेगा और गियर अप डाउन शिफ्ट का भी ऑप्शन इसके अंदर ही आपको शो करेगा। ये है इसका डिस्प्ले और यहाँ पर आपको कप होल्डर प्रोवाइड किया गया है, दो कप होल्डर जिसमें एसी भी प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाता है। 5 मैनुअल ट्रांसमिशन आपको गियर मिलता है प्लस रिवर्स भी है। ऑटोमेटिक आपको पेट्रोल वेरिएंट में देखने को मिलेगा, सीएनजी में आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है और जो अमरेश डे सेंटर का वो आप भी आपको नहीं देखने को मिलता है, ये ओनली पेट्रोल वेरिएंट में प्रोवाइड किया जाता है। और ये है इसके पीछे का लुक, आप देख सकते हैं ये है इसका सेकेंड रो में भी आपको जो आर्मरेस्ट है वो देखने को मिलता है बट कप होल्डर इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये था एर्टिगा सीएनजी का रिव्यू, अभी आपने देखा एक्सटीरियर और इंटीरियर का। तो अगर भी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।